हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छी होगी, मस्त होगी। और आज मैं आपको गेयर से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आई हूँ। गेयर शिफ्टिंग की वीडियो तो मैं एक डाल चुकी हूँ कि गेयर कैसे चेंज करते हैं इजीली, वो मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ गेयर से रिलेटेड। तो आज ये गेयर से रिलेटेड मैं बताने वाली हूँ कि कौन से स्पीड में आप कौन सा गेयर लगाओगे, जब आपका स्पीड कितना रहेगा तो आप कौन सा गेयर लगाओगे, तो इसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और जो लर्नर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो एक्सपर्ट हो चुके हैं उनको तो पता होता है कि मेरा स्पीड कितना चल रहा है और कौन सा गियर मुझे लगाना है, वो ऑटोमेटिक वो लोग लगा लेते हैं। तो जो लर्नर है भी, जो गाड़ी चलाना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। एक्चुअल जब सही स्पीड पे आपका गियर सही नहीं लगता है तो गाड़ी वाइब्रेट होने लगता है, और जब आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी बंद हो जाएगा। इसलिए आपको सही स्पीड पे सही गियर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब एक मिनिमम स्पीड होता है और उससे कम होने लगता है स्पीड आपका, तो सही गियर आपको गियर चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको इन सब बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्पीड में कौन से गियर चेंज करेंगे हम लोग। तो चलिए मैं बताती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से स्पीड में कौन सा गियर लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप कौन से स्पीड पे कौन सा गियर लगाओगे, ठीक है? जो लर्नर है उसे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो एक्सपर्ट है वो उन्हें तो पता चल जाता है कि मेरा गाड़ी जैसे कौन से स्पीड पे है और कौन सा गियर है, वो ऑटोमेटिक लगा लेते हैं। उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, मगर लर्नर को इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्पीड पे हमारा कौन सा गियर लगेगा। अगर उस स्पीड पे आप गियर नहीं लगाओगे तो आपका गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगा और कुछ प्रॉब्लम भी होगा। इसलिए सही स्पीड पे सही गियर लगाना आपको बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट नंबर गियर लगाते हैं। पहले क्लच ब्रेक दबा लेंगे, उसके बाद फर्स्ट नंबर गियर लगाएंगे। जब भी आप गियर चेंज करते हो तो क्लच पूरी तरह से प्रेस कर लेना, उसके बाद ही गियर चेंज करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हाफ क्लच लेकर के ऐसे गियर चेंज करते हो तो गियर चेंज नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब भी आप गियर चेंज करो चलते गाड़ी में, तो पूरी तरह से क्लच ऐसे ले लो, उसके बाद ही गियर चेंज करना। तो पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्लच ब्रेक दबा लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट नंबर गियर आप लगा लेते हो। फर्स्ट में क्लच दबा के फर्स्ट नंबर गियर लगाना रहता है, उसके बाद ब्रेक छोड़ोगे धीरे धीरे, उसके बाद क्लच धीरे धीरे छोड़ोगे तो गाड़ी आपका मूव होगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं सेकेंड नंबर गियर। जब आपका ये जो काटा है ना, ये 15 पे चला जाएगा। यहाँ 15 है, 15 से ऊपर जब जाने लगेगा तो आपको सेकेंड नंबर गियर लगा लेना है, ठीक है? जो 15 स्पीड से जब ऊपर जाएगा तो क्लच दबा लेना है आपको और सेकेंड नंबर गियर लगा लेना है। दबाएं, इस तरह से क्लच दबाएं और सेकेंड नंबर आपको गियर लगा लेना है। लेफ्ट ले जाके पीछे की ओर करेंगे तो सेकेंड नंबर गियर लग जाएगा। तो इस तरह से सेकेंड नंबर गियर 15 से जब 30 के बीच में रहेगा आपका स्पीड, तो सेकेंड नंबर गियर आपको लगा लेना है, सेकेंड नंबर गियर पे चलाना है आपको गाड़ी, ठीक है? और जब 30 स्पीड से जब ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पे है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। जब 30 स्पीड से जब ऊपर जाएगा, 30 से 45 के बीच में आपको थर्ड नंबर गियर लगा लेना है। आपको क्लच फिर से दबा करके उसके बाद थर्ड नंबर गियर लगाना है। ऐसे क्लच दबाएं पूरी तरह से, उसके बाद आपको सीधा आगे ऐसे ले जाना न्यूट्रल से। थर्ड नंबर गियर लग गया ये, ठीक है फ्रेंड्स? तो अब मैं फोर्थ नंबर गियर की बात करती हूँ। फोर्थ नंबर गियर आपको कब लगाना है? जब आपका स्पीड 45 से 45 से जब 60 चला जाता है, 45 से 60, 45 से जब क्रॉस करता है, तो आपको फोर्थ नंबर गियर लगा लेना है। ऐसे क्लच दबाना है, ओके?
देखिए ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल से बस पीछे आपको करना है, तो ये फोर्थ नंबर गियर लग गया। ठीक है, जब 45 से ऊपर जाएगा आपका स्पीड तो आपको फोर्थ नंबर गियर लगा लेना है। 45 से 60 के बीच में रहेगा तो फोर्थ नंबर गियर आपको लगाना है। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर गियर की। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर गियर जब आप 60 से ऊपर जाओगे, 60 जब आपका स्पीड रहेगा, यहाँ पे देखिए स्पीड 60 से जब ऊपर रहेगा तो आपको फिर से 60 से जैसे ही ऊपर जाने लगेगा तो आपको क्लच ऐसे फिर से दबाना है और फिफ्थ नंबर गियर लगा लेना है। राइट ले जाके आगे की ओर करेंगे तो फिफ्थ नंबर गियर लग जाएगा। तो इस तरह आपको फिफ्थ नंबर गियर लगा लेना है जब भी आप 60 से ऊपर चलो। स्पीड यहाँ स्पीड है, देखिए 60 से ऊपर जब भी आप जाओगे तो आप फिफ्थ नंबर गियर लगा लेना। फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा, बता देती हूँ। जब 15 से आपको ऊपर जाना है, 15 से जब आप ऊपर जाते हो 30 तक, तो आपको सेकंड नंबर गियर लगा लेना है। 15 स्पीड से जब आपका स्पीड बढ़ता है तो आपको सेकंड नंबर लगा लेना है 15 से 30 के बीच, और 30 से जैसे ऊपर जाएगा तो आपको थर्ड नंबर लगा लेना है। ठीक है, और 30 से 45 के बीच में आपको थर्ड नंबर रखना है। 45 से जैसे ही आपका स्पीड ऊपर जाता है तो आपको फोर्थ नंबर लगा लेना है, और 45 से 60 के बीच फोर्थ नंबर ही लगाना है। और 60 से जैसे ही आपका गाड़ी जैसे ही स्पीड क्रॉस करता है, 60 से ऊपर चला जाता है आपका स्पीड गाड़ी का, तो आपको फिफ्थ नंबर गियर लगा लेना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कौन से स्पीड में कौन सा गियर लगाना है। फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।